नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू रीजनिंग एकेडमी। एक बार फिर आप सभी लोग का आपके चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज जैसा कि आप सभी को पता है, आज 15 अक्टूबर है। कल आपकी SSC JEE CBT 1 की आंसर की रिलीज़ हो गई थी। तकरीबन 24 घंटे से ज़्यादा समय बीत चुका है। आप सभी को पता है कि इस चैनल के ऊपर आपको SSC JEE CBT 1 का पूरा लाइव कवरेज लिया था, एग्जामिनेशन सेंटर से डायरेक्ट रिव्यू लिया था। तो तकरीबन 24 घंटे में मैंने काफ़ी सारे लोगों के कमेंट्स देखे, उन्होंने अपने मार्क्स शेयर किए, उनको एनालाइज़ किया। और जैसा कि इसके पहले मैंने आपको बताया था कि मैंने एक सेपरेट व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा है, जिस पर आप सभी लोग एक इकट्ठा होकर अपने आप को एक कॉमन प्लेटफॉर्म की तरीके इस्तेमाल कर सकते हैं। तो काफ़ी सारा जो डाटा लेने के बाद में, एनालाइज करने के बाद में, अभी जो आप शेप स्कोर या आंसर की के बाद में जो कट ऑफ का प्रेडिक्शन कितना है का एनालाइज किया हुआ है। तो आइए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कितना सेफ स्कोर और आपका कट ऑफ रह सकता है। आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को दबा सकते हैं, जिससे इस टाइप की जो भी वीडियोस आपके पास आए सबसे पहले आपके पास उसकी नोटिफिकेशन पहुँच जाए। तो देखिए, देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स रहेंगे CBT 1 की कट ऑफ के लिए कि कितनी वैकेंसीज थी, जो अगर कंपैरिजन, क्योंकि हम कट ऑफ को डिसाइड करते समय लग एक दो साल की वैकेंसीज का भी कंपैरिजन करते हैं। फिर कितने कैंडिडेट्स आपके अपीयर हुए थे एग्जाम्स में, किस लेवल की डिफ़िकल्टी आपकी एग्ज़ाम की थी, कैसा परफॉर्मेंस आपके कैंडिडेट्स का था, और उसके बाद में रेफरेंस के लिए जो प्रीवियस ईयर की कट ऑफ को भी लिया जाता है, उसको भी देख के हम लोग कट ऑफ के प्रेडिक्शन को डिसाइड करते हैं। तो सबसे पहले हम वैकेंसी टेबल को देख लेते हैं। देखिए, इसमें कंपरेटिव आपके लिए एक वैकेंसी में लाया हूँ। इसमें 2016, 17 और 18 SSC JEE की वैकेंसीज़ हैं। अगर आप इनके ऊपर थोड़ा सा गौर करेंगे तो एग्जैक्टली आप देखेंगे कि सबसे ज़्यादा वैकेंसीज़ की अगर बात करिए तो सिविल डिपार्टमेंट में रहती है, 951 थी उसके 2016 में। फिर 2017 में एग्जैक्टली 256 रह गई, बहुत कम रह गई। अगेन 2018 में काफ़ी हैंडसम वैकेंसी, सबसे ज़्यादा 1297, तकरीबन 1300 वैकेंसीज़ हैं। वही मैकेनिकल अगर सेपरेट बात की जाए तो मैकेनिकल की 25 थी, फिर 4 रहीं और उसके बाद 29 हो गई। देर आफ्टर इलेक्ट्रिकल की 228 से 5 हो गई थी 2017 में, और फिर उसके बाद अगेन 206 वैकेंसीज हो गई। और कंबाइंड अगर इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल की बात की जाए तो फिर 178 से 76 हो गए, वापस ये 43। यानी ये सबसे ज़्यादा थोड़ा सा टफ रहेगा इस बार इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल का अगर हम देखें तो, क्योंकि ये 2017 से भी वैकेंसीज आपकी कम गई हुई हैं, ठीक है। और क्वालिटी सप्लाई मैनेजमेंट में आप देखेंगे तो 125 थी, उसके बाद 2017 में तो नीली थी, उसके बाद 2018 में भी इसमें काफ़ी कम है, 26 वैकेंसीज हैं। तो कुल मिला के बात कीजिए तो वैकेंसीज़ का अगर हम कंपरेटिव स्टेटमेंट देखेंगे तो 1507 आपकी 2016 में थी और 2017 में 341 हो गई, एग्जैक्टली 5 गुना कम हो गई। फिर अगेन उससे 5 गुना साथ बढ़ा के उन्होंने 1600 के ऊपर आपकी प्लस वैकेंसीज 2018 में दी हैं। तो सबसे ज़्यादा फ़ायदा जो इसमें हुआ है वो सिविल को हुआ है 1297, और सबसे ज़्यादा नुकसान अगर बात की जाए तो कंबाइंड इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल का हुआ है, उसमें आपकी 43 ओनली वैकेंसीज रह गई हैं, ठीक है। चलिए हम स्टार्ट कर लेते हैं। तो नंबर ऑफ कैंडिडेट की अगर बात की तो 2017 की बात की जाए तो आपके 5.69 लाख कैंडिडेट ने, तकरीबन 7 लाख मान सकते हैं, 6 लाख मान सकते हैं, 6 लाख कैंडिडेट्स ने आपके फॉर्म जो एग्जामिनेशन दिया था। और 2018 की अगर बात की जाए तो करीबन वही 8 लाख हैं। तो कैंडिडेट्स कुछ बढ़े हैं, कैंडिडेट्स बढ़ने का मतलब ये है कि कंपैरिजन अगर मोड में हम बात करेंगे तो फिर कुछ कट ऑफ ज़्यादा जाने के चांसेस हैं, कैंडिडेट बढ़ने का यही एग्जैक्टली मतलब होता है। तो इस बेस के ऊपर हम ये कह सकते हैं कि कट ऑफ कुछ ज़्यादा होनी चाहिए कैंडिडेट के बेस के ऊपर। अब बात की जाए अगर एग्ज़ाम लेवल डिफ़िकल्टी की, तो देखिए 2017 का एग्ज़ाम लेवल डिफ़िकल्टी आपका इजी टू मॉडरेट था मोस्टली शिफ्टों के अंदर। और 2019 की अगर बात कर ली जाए, जो कि 2018 की वैकेंसीज थी और 19 में उनका एग्ज़ाम हुआ आपका, तो इजी टू मॉडरेट ही बोलेंगे, और कुछ शिफ्टों को मॉडरेट बोला जाएगा, क्योंकि एग्ज़ाम कंडक्टिंग एजेंसी आपकी ECE आपकी TCS है। आप सभी को पता है कि TCS को जो भी काम कराने का तरीका है और एग्जामिनेशन पैटर्न, उसके क्वेश्चंस खासतौर से जो आते हैं वो थोड़े से, मतलब कि हम इजी टू मॉडरेट से लेके मॉडरेट लेवल का बोल सकते हैं कंपैरिजन टू दूसरी एग्ज़ाम कंडक्टिंग एजेंसीज के मुकाबले। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट में कि परफॉर्मेंस ऑफ कैंडिडेट्स कैसा था। तो 2017 में आपका परफॉर्मेंस ऑफ कैंडिडेट आपका गुड था, ठीक है। और 2018-19 के लिए मैं इसको क्वाइट गुड बोलूँगा, कुछ उससे स्टैंडर्ड अप है। उसका कहने का रीज़न ये है कि आपने देखा कि जैसे फॉर्म, जैसे कि फॉर्म आपके केवल 5 लाख ही भरे गए थे, लेकिन वो 5 लाख फॉर्म अगर आप देखें तो वैकेंसीज 300 थी, उसके मुकाबले अगर वैकेंसीज आपकी टोटल मिला के 5 गुना हो गए, लेकिन फॉर्म में ज़्यादा कोई बढ़ोतरी नज़र नहीं आई, केवल 20% ही फॉर्म में ज़्यादा बढ़ोतरी हुई है। तो ये चीज़ थोड़ा सा सोचने वाली है, ध्यान देने वाली है। अब अगर हम कुछ एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात कर लेते हैं CBT 1 की, ठीक है, जो आपकी सेफ स्कोर या कट ऑफ, व्हाटएवर जो भी आप मान के चलें,
सबसे पहले कुछ रेफरेंस के लिए हम प्रीवियस ईयर की कट ऑफ देखेंगे, 2016 और 2017 की बात करेंगे। अगर 2000 यहाँ पर हमने वैकेंसी टेबल भी लगा दिया साथ में, अगर 2016 की बात करें तो वैकेंसीज आपकी 1507 थी और यूआर की 100, ओबीसी की 92, एससी की बात की जाए तो 84.5, एसटी की बात की जाए तो 85.50, ओएच और एचएच की बात की जाए तो 72 और 40। ठीक है, जैसे वैकेंसीज आपकी कम हुई तो डेफिनेटली इम्पैक्ट कट ऑफ पे देखने को मिला। इस चीज़ को आप रियलाइज़ कर सकते हैं हर सेगमेंट में, चाहे वो कोई भी हो, इवन कोई भी कैटेगरी हो, हर कैटेगरी के अंदर आपकी कट ऑफ के अंदर एक अच्छा खासा हाइक आपको देखने को मिला था 2017 में। क्यों वैकेंसीज एकदम से 5 गुना कम हो गई हैं, तो ऑब्वियस सी बात है देखने को मिलेगा। अब अगर कुछ इसका रेफरेंस हम 2019 में लेने का प्रयास करें या 2018 में लेने की कोशिश करें, तो हम कह सकते हैं इस लॉजिक के ऊपर, इस बेस के ऊपर डेफिनेटली बोला जा सकता है कि हाँ ठीक है, कट ऑफ इतनी तो नहीं जाएगी, इससे कम ही जाएगी डेफिनेटली जो 2017 में गई थी। अब कई लोग ये बोलते हैं नहीं इस बार पेपर बहुत ईजी हुआ था। देखिए पेपर हर बार ऐसा ही होता है, कैंडिडेट्स भी तकरीबन हर बार ऐसे ही होते हैं, थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ता है। हम सोचते हैं कि हमारा जो स्टैंडर्ड है काफ़ी अच्छा है, इसके पहले जो दिया गया था उनका अच्छा नहीं, तो ऐसा नहीं है, तकरीबन बराबर ही रहता है। तो वैकेंसीज अप डाउन होने से काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है, ये एक मेजर रोल प्ले करेगा, इस चीज़ को आप समझिए। ये लॉजिकल चीज़ है जो कि बताने की मैं कोशिश आपको कर रहा हूँ। चलिए आपकी कट ऑफ को अगर हम देखते हैं, उसी की वैसे ही अगर इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल सेक्शन की आप कट ऑफ की बात कर लें, 2016 की देखिए 115 से 136 सीधे, 109 से 133, 99 से 101, 94 से सीधे 105, 87 से 91 और 54 से 61, यानी वैकेंसीज का 5 गुना कम होना और देयर आफ्टर आपकी कट ऑफ का बढ़ जाना एकदम से, वैकेंसीज का 5 गुना अगेन बढ़ जाना। तो कट ऑफ क्या एक्सपेक्ट हम करेंगे उस लेवल के भीतर जो 2016 के अंदर थी, तो आगे और भी उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए देखते हैं, हम एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात कर लेते हैं। तो जो एक्सपेक्टेड आपकी कट ऑफ है सिविल की, देखिए अगर आपने इसके पहले का मेरा वीडियो देखा हो तो आप वहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने रियली अपने जो प्रेडिक्शन है प्रेडिक्शन को कम कर दिया है। इसके पहले जो मैंने आपका, जैसे ही अब लाइव रिव्यू आपका ख़त्म होता है, एग्जामिनेशन आपके फिनिश हुए थे, तो फिनिश होने के बाद मैंने एग्जैक्टली आपके लिए कट ऑफ का प्रेडिक्शन किया था। आप देखेंगे तो मैंने उससे, अगर आप दोबारा उस वीडियो को देखें, तो उससे मैंने टारगेट घटा दिया अपने, मैंने इससे पहले ज़्यादा बताया था, अब उससे मैं 2 या 3 नंबर कम बता रहा हूँ, हर सेक्शन में कम कर रहा हूँ, क्योंकि जितने लोगों का फीडबैक मुझे मिला है तकरीबन अभी तक 900 के लमसम, हाँ अब तो मैं 1000 बोलूँगा, 900 के लमसम लोगों का फीडबैक मेरे को मिल चुका है। इसके लिए मैंने एक आपको गूगल फॉर्म के ऊपर एक सर्वे भी बना दिया, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूँगा, आप वहाँ जाके भी अपना सर्वे कीजिए, भाग कीजिए। आगे जैसे ही कुछ रिफाइन और डाटा होगा तो हम उसको बता सकते, नहीं तो कोई बात नहीं, आप स्वयं जाके उसमें देख सकते हैं। तो जनरल का है तो ये मैंने कम किया है, ठीक है, हो सकता है कि शायद कुछ लोग इससे असहमत हो मेरे से कि नहीं ऐसा नहीं, इससे ज़्यादा जाएगी, लेकिन मेरा ये दिल बोल रहा है, जो एक्सपेक्टेशन हो रही, जो डाटा मेरे पास आया है उसके अकॉर्डिंग तो मैं बोल रहा हूँ, रियली मैंने पहले से कम कर दिया है। ठीक है, जनरल की जहाँ तक मैं 99 से 107 के बीच एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, ओबीसी की बात की जाए तो 92 से 99 के बीच मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, अगर एससी की बात की जाए तो 89 से 92 के बीच में एक्सपेक्टेशन हो रही, वहीं अगर एसटी, ठीक है, शेड्यूल ट्राइब की बात आपकी की जाए तो 88 से लेके 91 के बीच एक्सपेक्टेशन है, वहीं अगर ओएच की बात की जाए तो ओएच की 71 से 75 के बीच में, ठीक है, और लास्ट में अगर बात की जाए आपकी एचएच, तो एचएच की आपकी 47 से लेके 53 के बीच में ये एक्सपेक्टेशन है। ठीक है, ये आपका सिविल का हो गया। इसी तरीके से अगर हम मैकेनिकल की बात कर लें तो डेफिनेटली सिविल और मैकेनिकल बराबर तो नहीं रहेंगे, तो अलग अलग रहेंगे, क्योंकि वैकेंसीज रियली इस बार पहले के मुकाबले काफ़ी कम है। ठीक है, तो इस वजह से मैं जनरल की कट ऑफ एक्सपेक्ट कर रहा हूँ 113 से 121 के बीच में, और वहीं अगर आपकी बात की जाए ओबीसी की तो ओबीसी की मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ 105 से लेके 110 के बीच में, और एससी की बात की जाए तो 97 से 102 के बीच में, एसटी 95 से 99 के बीच में, और बाकी जैसे ओबीसी हो गया और आपका, और ख़ास तौर से ओबीसी और एससी ज़्यादा इनमें कोई डिफरेंस नहीं रहता, आजकल नहीं रहा, पहले रहा करता था, अब नहीं रहा है। ठीक है, इवन अब एसटी भी टक्कर देने लगे हैं, जो सबसे कम आपकी एसटी की जाती थी तो वो भी अब टक्कर देने लगे हैं, तो ज़्यादा अब डिफरेंस नहीं रहा। और ओएच की बात की जाए तो 81 से 87 और एचएच की बात की जाए तो 52 से लेके 56, ये मैं आपका कट ऑफ एक्सपेक्ट कर रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है, जनरल आप देख लीजिए, जनरल का ये हो गया, ये ओबीसी का आपका हो गया, ये एससी का हो गया, एसटी का 95 से 99, ओएच का 81 से 87 और उसके बाद में 52 से 56 आपका एचएच का हो गया। ठीक है, इतना तो ये आपका किसी ये ब्रांच का है, ये आपका कंबाइंड है मैकेनिकल का और
इलेक्ट्रिकल का आपका, ठीक है, ये चीज़ आपका कंबाइंड है मैकेनिकल का इलेक्ट्रिकल का, इससे ही कुछ प्लस होने के चांसेस हैं क्योंकि उसके पीछे रीज़न है। वैकेंसीज इवन दो पिछले साल की अपेक्षा सिविल की बढ़ी है, मैं 5 गुना वैकेंसीज बता रहा हूँ, लेकिन वो इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल की नहीं बढ़ी, तो इसलिए सिविल की बढ़ी है, तो इसलिए इसमें और एक ग्रोथ होने की चांसेस है, इससे कम मुझे नहीं लगता है। मैं मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल की अगर बात करूँ, सिविल में मुझे लगता है कि ठीक है, लेकिन मैकेनिकल इसमें इससे प्लस होने के चांसेस हैं, ठीक है। अब अगर हम मार्क्स अपने नॉर्मलाइजेशन के बाद में बात करें कितने बढ़ सकते हैं, तो देखिए शिफ्ट के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपकी शिफ्ट इजी टू मॉडरेट है, हर शिफ्ट अलग होती है, हर एक के हिसाब से एक्सपेक्टेशन उसकी अलग होती हैं, जितनी भी शिफ्टों में एग्ज़ाम आपका हुआ करके, अगर आपकी इजी टू मॉडरेट है तो आपके अपने 5 to 9 marks बढ़ सकते हैं। मॉडरेट अगर आपकी शिफ्ट हुई है तो आप मान लीजिए 8 to 15, अगर आपकी बिल्कुल बहुत ही कोई खुदा ना खास्ता कोई शिफ्ट आपकी टफ जा सकती है तो 15 से 20 भी मार्क्स बढ़ सकते हैं, जैसे हमने CHSL में देखा। और ख़ास तौर से इसका एक ज्वलंत उदाहरण आपको SSC CGL में देखने को मिला कि उसमें से 40 से लेकर 45 marks तक लोगों के बढ़े हैं CGL के अंदर, लेकिन इतना तो मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ इसके अंदर, लेकिन हाँ कि मार्क्स आपके एक हैंडसम बढ़ेंगे, काफ़ी ज़्यादा बढ़ेंगे। तो जो ये अभी आपके मैंने आपको बताई है रॉ मार्क्स के ऊपर आपकी बताई हुई, तो उनमें से अगर आप जैसे मार्क्स आपके बढ़ते तो उसमें आप प्लस कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप जैसे उसमें प्लस होकर देख सकते हैं, ठीक है। और मार्क्स डेफिनेटली आपके बढ़ेंगे हैंडसम, काफ़ी इतना मुझे एक्सपेक्टेशन लग रहा है। थेरेफ्टर अगर बात की जाए आपकी, इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट देख लेते हैं कि वैकेंसीज पिछले बार के मुकाबले 5 times बढ़ी हैं, लेकिन इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल में नहीं बढ़ी हैं, इसलिए वहाँ पर मुझे थोड़ा सा हो रहा है, इसलिए वहाँ का जो प्रेडिक्शन मैंने कुछ अप रखा है। और जैसे कुछ क्योंकि वैकेंसीज़ काफ़ी ज़्यादा कम होने की वजह से, इवन पिछले साल के मुकाबले भी कम होने की वजह से कंपटीशन ज़्यादा टफ चला जाएगा, और आपकी जैसा पता है एग्जामिनेशन कंडक्टिंग एजेंसीज आपकी TCS है, तो डेफिनेटली पेपर आपका टफ होने के चांसेस हैं। देर आफ्टर फिर आपका आफ्टर नॉर्मलाइजेशन होप अ गुड इंक्रीज इन मार्क्स की, नॉर्मलाइजेशन के बाद मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि इवन कि मॉडरेट शिफ्ट की खास तौर से काफ़ी अच्छे करीबन 10 से लेकर 15 के बीच मार्क्स आपके बढ़ने की उम्मीद हो रही है, ठीक है। तो ये दोस्तों इसी के साथ मैं आपको बताऊँ, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि गूगल फॉर्म का मैंने सर्वे बना दिया, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ जाके आप अपना उसमें सर्वे करिए, अपना वोट दीजिए, अपने नंबर बताइए, वहाँ पर सिलेक्शन कीजिए, देयर आफ्टर उसको आप एनालाइज कर सकते हैं खुद, वो एक आपके लिए कॉमन प्लेटफॉर्म बन जाएगा। साथ में मैंने व्हाट्सएप का एक ग्रुप भी बना रखा है जहाँ पर आप एक साथ कंबाइंड मिलिए, बैठिए, एक दूसरे से डिस्कशन करिए, क्योंकि आपको देखिए आपने RRB JEE का अगर आपने देखा होगा तो बहुत मेजर डिफरेंस आया था उसके अंदर, काफ़ी क्वेश्चंस आपके एक शिफ्ट के दो दो तीन तीन चार चार क्वेश्चंस आपके इग्नोर किए गए हैं, उसके बाद में क्वेश्चन सही के गलत कर दिए, गलत के सही कर दिए, जब लोगों ने उसके ऊपर ऑब्जेक्शन रेज किए, ठीक है, इवन आफ्टर दोबारा भी CBT 2 की जो दोबारा उनकी आंसर की आई उसके अगेन मॉडिफाई के बाद में फिर क्वेरीज कुछ जा रहे हैं लोग, फिर अगेन उसमें क्वेरीज कर रहे हैं, तो उनके लिए मैंने एक कॉमन प्लेटफॉर्म मुहैया कराया था। उसमें क्या है, लोग आप लोग क्या है कि आप डिस्कशन कर सकते हैं, इवन आप 2-4 लोग आपके साथी होंगे, आप उनको जानते होंगे, लेकिन ये व्हाट्सएप ग्रुप एक ऐसा है आपका कि वहाँ पर आप ज्वाइन कर सकते हैं, उसको ज्वाइन करने के बाद उसको देखिए आपस में, जैसे कि आपको कॉमन प्लेटफॉर्म मिल जाएगा वहाँ आप बात करिए, अपना जो मटेरियल क्या क्या आपको रेफरेंस देना है, किसकी वजह से कौन से क्वेश्चन आपके सही थे कौन गलत थे, उनके बारे में आप डिस्कशन कर सकते हैं और उसका बेनिफिट उठा सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में केवल इतना ही, जैसे आप सर्वे करेंगे आगे जाकर रिफाइन होगी तो मैं आपको अपडेट देता रहूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद, जय भारत।